Hello everyone. In this video, I am going to explain session 4, Computer Security and Privacy of Unit 3, Information and Communication Technology Skills. And this unit is of Employability Skills part. तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डेटा की इम्पोर्टेंस समझाई गई है कि डेटा जो हमारे कंप्यूटर में रहता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है और इस वजह से उस डेटा को हमें बहुत ही ज़्यादा सिक्योरली हमारे कंप्यूटर में सेव करना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे मोबाइल में या फिर लैपटॉप में जो भी हमारी पर्सनल फोटोग्राफ्स है, अगर कोई उनको एक्सेस कर लेता है तो उनको वो मिसयूज कर सकता है एडिटिंग करके। ऐसे ही स्कूल के कंप्यूटर्स में टीचर्स की, पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन रहती है, अगर इस इन्फॉर्मेशन को कोई एक्सेस कर सकता है तो फिर वो इस इन्फॉर्मेशन को मिसयूज कर लेगा। ऐसे बैंक्स में सारे ट्रांजैक्शन की जो डिटेल्स है या फिर सभी कस्टमर्स के जो बैलेंस है वो सर्वर में स्टोर रहती है ये सारी डिटेल्स। अगर कोई इन डिटेल्स को सर्वर से एक्सेस कर सकता है तो इजीली उस डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है और किसी के भी बैलेंस को इंक्रीज, किसी के भी बैलेंस को डिक्रीज कर सकता है। इस केस में लोगों को फाइनेंशियल लॉस फेस करना पड़ सकता है। इसी तरीके से अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स में भी पेशेंट्स की जो डिटेल्स है वो कंप्यूटर में सेव की जाती है और अगर इन डिटेल्स को जो कि पेशेंट्स की ट्रीटमेंट की अगर कोई मैनिपुलेट कर दे तो पेशेंट को फ्यूचर में रॉन्ग ट्रीटमेंट दिया जा सकता है और इस वजह से पेशेंट की जो हेल्थ है वो और ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए हमारे कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इस वजह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंप्यूटर में हमारा जो भी डेटा है उसको हमेशा हमें सिक्योरली स्टोर करना है या फिर सेव करना है जिससे कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। तो यहाँ पे सबसे पहले इस सेशन के इंट्रोडक्शन में ये समझाया गया। नेक्स्ट यहाँ पर है कंप्यूटर सिक्योरिटी डील्स विद प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स। तो अगर हम कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात करें तो इसका मेन फोकस रहता है हमारे कंप्यूटर में जो भी डेटा है उसको सिक्योरली स्टोर करने के लिए जिससे कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके, उसको डैमेज ना कर सके। क्योंकि अगर हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर एक बार डैमेज होता है तो हम उसको रिप्लेस करके हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करके अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एक बार जो हमारा इंपॉर्टेंट डेटा अगर वो मिस हो जाता है या फिर वो डैमेज हो जाता है या फिर वो मैनिपुलेट हो जाता है तो इस वजह से हम अपना काम हार्डवेयर चेंज करने के बाद भी कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसलिए कंप्यूटर सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्चुअली फोकस करता है हमारे कंप्यूटर के डेटा के सेफली कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है रीजंस फॉर सिक्योरिटी ब्रेक। तो एक्चुअली सिक्योरिटी ब्रेक में क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में जो भी डेटा अगर इसको कोई अनऑथराइज पर्सन एक्सेस कर सकता है और एक्सेस करने के बाद वो पर्सन उसको डैमेज कर सकता है, फिर डिलीट कर सकता है, फिर उसको मैनिपुलेट कर सकता है, तो ये हमारा होता है सिक्योरिटी ब्रेक। सिक्योरिटी ब्रेक एक्चुअली ये रिलेटेड हमारे कंप्यूटर के डेटा से और इस वजह से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर की जो भी सिक्योरिटी वो कभी ब्रेक ना हो जिससे कि अनऑथराइज पर्सन हमारे डेटा को एक्सेस ना कर सके। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है या फिर वो किसी भी अनऑथराइज पर्सन के पास जा सकती है। इन दोनों रीजन से फर्स्ट जनरली हम क्या करते हैं कि वेबसाइट से हम सॉफ्टवेयर्स को फ्री में डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ रिसोर्सेज को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हमें वहाँ पे साइन अप करना पड़ता है, उसके बाद हमें साइन करना पड़ता है। साइन अप के टाइम पे हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे शेयर करना पड़ता है, उसके बाद साइन अप प्रोसेस कंप्लीट होती है, फिर हम साइन इन करते हैं, उसके बाद हम वहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कोई भी रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कभी इन केसेस में क्या होता है कि साइन अप और साइन इन करने के बाद भी हमें जो भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो नहीं मिलते हैं और सपोज अगर मिल भी जाते हैं उसके बाद जो हमने इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड की है साइन अप प्रोसेस के टाइम पे वो मिसयूज की जाती है, उसको डार्क वेब पे बेच दिया जाता है दूसरे लोगों को और फिर इस इन्फॉर्मेशन को मिसयूज किया जाता है। तो फर्स्ट ये, तो जब भी हम साइन अप और साइन इन कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट पे तो पहले हमें वेबसाइट चेक करना चाहिए वो वेबसाइट जेन्युइन है या नहीं, और अगर वो वेबसाइट हमें लगता है कि जेन्युइन है तभी हमें अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर करना चाहिए, अदरवाइज हमें ऐसी वेबसाइट्स पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहिए। तो सेकंड यहाँ पर है कि अगर हम कोई भी कंप्यूटर पब्लिक प्लेस का जो है उसको यूज कर रहे हैं और उसके बाद अगर हम सपोज अपने ईमेल अकाउंट को या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अकाउंट को लॉग आउट करना भूल जाते हैं तो हमारे बाद कोई दूसरा पर्सन उस कंप्यूटर को यूज करेगा और वो हमारे अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके से भी जो हमारी पर्सनल डिटेल्स है वो अनऑथराइज पर्सन एक्सेस कर सकता है और उसको मिसयूज कर सकता है। इसलिए जब भी हम कोई भी एक पब्लिक प्लेस के कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं या फिर यूज करते हैं जैसे कि स्कूल के कंप्यूटर, लैब के कंप्यूटर्स या फिर साइबर कैफे के कंप्यूटर्स, तो हमें अपने अकाउंट पर लॉग इन या साइन इन करने के बाद जब भी हमारा काम कंप्लीट होता है उस कंप्यूटर को अगर हम छोड़ने वाले हैं तो उससे पहले वहां पर अपने सारे अकाउंट्स को लॉग आउट कर देना चाहिए जिससे कि हमारे बाद अगर उन कंप्यूटर को कोई एक्सेस करता है तो वो हमारे अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इज अबाउट मेजर्स वी कैन टेक टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पर्सनल डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो है ये प्राइमरली फोकस करती है उन सारे मेथड्स पर या फिर वो सारे तरीकों पर जिससे कि हमारे कंप्यूटर के डेटा को कोई भी अनऑथराइज पर्सन एक्सेस ना कर सके, उसको डिलीट या फिर मैनिपुलेट ना कर सके। नेक्स्ट यहाँ पर है थ्रेट्स टू कंप्यूटर्स। थ्रेट्स टू कंप्यूटर्स का मतलब है कि हमारे कंप्यूटर का जो भी डेटा या फिर हमारा जो कंप्यूटर है वो किन तरीकों से मिसयूज किया जा सकता है या फिर किस तरीके से अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है, तो ये थ्रेट्स ऑफ कंप्यूटर्स में मेंशन है। और यहाँ पे सबसे पहले है थेफ्ट। तो थेफ्ट मतलब कि चोरी, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के थेफ्ट्स पॉसिबल है कंप्यूटर केस में। और यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है फिजिकल थेफ्ट। फिजिकल थेफ्ट में यहाँ पर यह है कि हमारे जो कंप्यूटर डिवाइस है वो कोई उसको चोरी कर सकता है या फिर हमारे कंप्यूटर का जो हार्डवेयर कंपोनेंट है जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव जिसमें हमारा डेटा एक्चुअल में स्टोर होता है उसको भी कोई इजिली सीपीयू से चोरी कर सकता है। तो ये हमारे इस तरीके के जो केसेस होते हैं ये फिजिकल थेफ्ट में आता है जहाँ पे हमारे कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो एक्चुअली किसी पर्सन के द्वारा चुराया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है कि सपोज अगर कोई हमारे ईमेल अकाउंट के यूजर नेम और पासवर्ड को जानता है तो वो पर्सन हमारे ईमेल अकाउंट के यूजर नेम पासवर्ड को यूज कर सकता है हमारे अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, और उसके बाद हमारे अकाउंट से किसी को भी मेल सेंड कर सकता है। और कोई भी पर्सन जो कि उन मेल को रिसीव करेगा उसको ये लगेगा कि ये मेल्स हमने भेजे क्योंकि वो हमारे ईमेल आईडी से गए हुए हैं, लेकिन ये मेल्स किसी अनऑथराइज पर्सन ने हमारे अकाउंट को एक्सेस करके भेजा है। तो ये हमारा होता है आइडेंटिटी थेफ्ट। ऐसे ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स के यूजर नेम पासवर्ड अगर हमारा कोई और पर्सन जानता है तो वो पर्सन हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट के अकाउंट को एक्सेस कर सकता है और किसी को भी मैसेज भेज सकता है या फिर कुछ भी वहां पर अपलोड करके हमें डिफेम कर सकता है। तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट। तो आइडेंटिटी थेफ्ट में जैसा कि हम जानते हैं कि अब भी हमें अपना कोई भी ऑनलाइन अकाउंट को एक्सेस करना होता है तो उसके लिए हमें वहां पर उस अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड को यूज करते हैं, और अगर इस यूजर नेम पासवर्ड को अगर कोई और पर्सन भी जानता है तो वो भी उसको एक्सेस कर सकता है, और वहां पे वो पर्सन हमारी आइडेंटिटी को यूज करके किसी को मैसेज सेंड कर सकता है और उसको मिसयूज कर सकता है। तो ये सब आता है यहां पर आइडेंटिटी थेफ्ट में। नेक्स्ट यहां पर है सॉफ्टवेयर पायरेसी। अब सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है कि जनरली जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो FOSS नहीं होते, जो कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर्स जो है वो जनरली हमें परचेज करने होते हैं, और सॉफ्टवेयर का जो कोड है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन उस कोड को एक्टिव करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को एक्टिव करने के लिए हमें लाइसेंस उस सॉफ्टवेयर का चाहिए होता है या फिर सॉफ्टवेयर में प्रोटेक्ट की चाहिए होती है, तभी हम उस सॉफ्टवेयर को एक्टिव करके यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। लेकिन जनरली सॉफ्टवेयर की प्रोटेक्ट की या फिर लाइसेंस हमें ऑनलाइन मिल जाती है और इस वजह से हम प्रोटेक्ट की या फिर लाइसेंस को परचेज नहीं करते हैं, और इस तरीके से सॉफ्टवेयर को जो हम यूज करते हैं वो आता है सॉफ्ट पायरेसी की कैटेगरी में। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी सिंपली हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर की चोरी है, और यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं बिना लाइसेंस या फिर प्रोडक्ट की को परचेज किए, तो ये सॉफ्टवेयर पायरेसी है। तो इस तरीके से थ्री थेफ्ट्स पॉसिबल है। फर्स्ट है फिजिकल थेफ्ट जहाँ पे हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर कोई स्टील करता है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट जिसमें कोई पर्सन हमारे यूजर और पासवर्ड को यूज करके हमारे अकाउंट को एक्सेस करता है, और सॉफ्टवेयर पायरेसी में हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रहे होते हैं बिना सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट की और लाइसेंस को परचेज की। नेक्स्ट थ्रेट टू कंप्यूटर है वायरस। तो वायरस एक्चुअली ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि बिना हमारे परमिशन के हमारे कंप्यूटर में एंटर करते हैं और उसके बाद ये अपना माल फंक्शन वहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ये हमारे कंप्यूटर की जो फाइल्स हैं उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क ड्राइव के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो ये वायरसेस हैं जो कि एक टाइप के कंप्यूटर के थ्रेट्स है। अब वायरसेस में यहाँ पर डिफरेंट टाइप के वायरसेस हैं, और फर्स्ट यहाँ पर वॉर्म्स। तो वॉर्म्स एक्चुअली वो वायरसेस हैं जो कि अपने खुद की कॉपीज क्रिएट करके अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं और अपनी बहुत सारी कॉपीज सिस्टम में एंटर होने के बाद क्रिएट कर देते हैं, और इस तरीके से ये कंप्यूटर के हार्ड डिस्क ड्राइव के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और हमें हार्ड डिस्क ड्राइव में इनफ स्पेस नहीं मिलता अपने इंपॉर्टेंट डेटा को सेव करने। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स भी एक टाइप का वायरस ही है, और ये ट्रोजन हॉर्स हमारे कंप्यूटर में एंटर होने से पहले इस तरीके से बिहेव करता है कि जैसे ये एक यूजफुल सॉफ्टवेयर है लेकिन ये कंप्यूटर में एंटर करने के बाद अपना माल फंक्शन स्टार्ट करता है और हमारे कंप्यूटर की फाइल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे ये दो वायरसेस एक्सप्लेन किए गए हैं, फर्स्ट है वॉर्म्स एंड सेकेंड है ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट यहाँ पे थ्रेट टू कंप्यूटर है ऑनलाइन प्रेडेटर। एक्चुअली ऑनलाइन प्रेडेटर क्या है, ये लोग होते हैं जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट्स का यूज करते हैं और सबसे पहले बच्चों से दोस्ती करते हैं, और दोस्ती करने के बाद फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, और ब्लैकमेल के बाद उन्हें इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं, तो ये कहलाते हैं ऑनलाइन प्रेडेटर्स। इसलिए बच्चों को कभी भी इंटरनेट पर अननोन लोगों से दोस्ती या फिर कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहिए। तो ये ऑनलाइन प्रेडेटर। यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरनेट स्कैम्स।
अब इंटरनेट स्कैम्स क्या होता है, जैसे कि हमें जनरली ईमेल्स मिलते रहते हैं कि हमने किसी लॉटरी में कुछ अमाउंट जीत लिया या फिर हमें किसी चीज का ऑफर दिया जा रहा है और ये लॉटरी का जो प्राइज मनी है हमें तभी मिल सकती है या फिर जो प्रोडक्ट जो हमें ऑफर किया जा रहा है वो हमें तभी मिल सकती है जब हम अपनी बेसिक डिटेल्स को शेयर करते हैं या फिर हमें अपनी अकाउंट की डिटेल्स को शेयर करना होता है या फिर हमें सबसे पहले कुछ अमाउंट वहां पे पे करना होता है। तो इस केस में जो भी अमाउंट हम पे कर रहे होते हैं या फिर हमने अपनी डिटेल्स को शेयर कर रहे होते हैं वो बाद में मिसयूज की जाती है और अमाउंट जो भी हम पे कर रहे हैं वो अमाउंट हमारा पूरा का पूरा चला जाता है और जो पर्सन हमारी इन्फॉर्मेशन को लेता है वो उनको बाद में मिसयूज करता है। तो इस तरीके से ये कहलाता है इंटरनेट स्कैम। नेक्स्ट अप, प्रोटेक्टिंग योर डेटा। तो प्रीवियस टॉपिक हमने देखा कि कंप्यूटर के वेरियस थ्रेट्स कौन कौन से पॉसिबल है, अब उन थ्रेट्स से हम अपने आप को कैसे सेफ कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर है यूज पासवर्ड टू लॉग इन टू योर कंप्यूटर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है कि जब भी हम अपने कंप्यूटर यूज कर रहे होते तो हमें अपने कंप्यूटर में अपने अकाउंट के लिए एक पासवर्ड सेट करना चाहिए और जब भी हम अपने कंप्यूटर को यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें अपना अकाउंट लॉग आउट कर देना चाहिए जिससे कि कोई भी पर्सन जो हमारे कंप्यूटर को हमारे पास एक्सेस कर रहा है वो हमारे अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो पर्सन हमारे अकाउंट के पासवर्ड को नहीं जानता। और सेकंड यहाँ पर है, जब भी हम अपने किसी भी अकाउंट को पासवर्ड सेट कर रहे हैं तो हमेशा हमें स्ट्रांग पासवर्ड यूज करना चाहिए ना कि वीक पासवर्ड। अब स्ट्रांग पासवर्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि स्ट्रांग पासवर्ड में 12 टू 14 कैरेक्टर्स होना चाहिए। सेकंड, स्ट्रांग पासवर्ड में एटलीस्ट वन लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए। देन स्ट्रांग पासवर्ड में एटलीस्ट वन अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए। देन स्ट्रांग पासवर्ड में एटलीस्ट वन डिजिट होना चाहिए और एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो जब भी हमारे पासवर्ड में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो हम कह सकते हैं हमारा पासवर्ड स्ट्रांग पासवर्ड है और स्ट्रांग पासवर्ड अनऑथराइज पर्सन इजिली गैस नहीं कर सकता है और इस वजह से हमारा अकाउंट जो भी किसी भी टाइप का हो, चाहे वो कंप्यूटर का या फिर किसी सोशल नेटवर्किंग साइट या फिर नेट बैंकिंग का, वो हमेशा सेफ रहेगा। तो ये यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट, इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरवॉल। तो यहाँ पे हमें अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहिए क्योंकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है ये कैपेबल होता है वायरस प्रोग्राम्स को डिटेक्ट करके हमारे कंप्यूटर से डिलीट करने में। और सेकंड है फायरवॉल। तो फायरवॉल एक्चुअली ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन भी होता है और ये हार्डवेयर भी रहता है और इसका फंक्शन है हमारे कंप्यूटर में जो भी इंटरनेट से जो भी डेटा आ रहा है और हमारे कंप्यूटर से इंटरनेट पर जो भी डेटा जा रहा है उसको पहले ये चेक करता है और कुछ भी सस्पिशियस लगता है तो फायरवॉल उसको वहीं पर ब्लॉक कर देता है और अगर सब कुछ प्रॉपर रहता है तो फायरवॉल उसके ट्रांसमिशन को अलाउ करता है। तो इस वजह से हमें अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस और फायरवॉल को इंस्टॉल कर रखना चाहिए। थर्ड है इनक्रिप्ट डेटा। तो यहाँ पर हम इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हैं और इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर्स का जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमारे जो भी डेटा फाइल्स होती हैं उसका डेटा एक कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उस कोडेड फॉर्म के डेटा को कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता क्योंकि वो रीडेबल फॉर्म में नहीं रहता है। तो इस वजह से हमें अपने कंप्यूटर में इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहिए जिससे कि हमारा जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो इनक्रिप्ट हो जाए और सपोज अगर कोई हमारी फाइल को एक्सेस भी कर ले उसके बाद भी हमारा फाइल के डेटा को वो अनऑथराइज पर्सन समझ नहीं सकता क्योंकि वो डेटा कम्प्लीटली कोडेड फॉर्म में वहाँ पर होगा। तो ये है इंक्रिप्शन डेटा। नेक्स्ट है सिक्योर साइट्स। तो जब भी हम किसी भी टाइप के ऑनलाइन पेमेंट के लिए जा रहे हैं चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर किसी भी बस के टिकट बुकिंग, तो हमेशा हमें ऑनलाइन पेमेंट सिक्योर साइट्स पे करना चाहिए। अब हम कैसे सिक्योर साइट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो जैसे कि हमें किसी भी वेबसाइट के यूआरएल के सबसे पहले HTTP मिलता है लेकिन सिक्योर साइट्स वो होती हैं जिनके यूआरएल में सबसे पहले हमें HTTP की जगह पे HTTPS मिलता है और HTTPS का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो अगर हम वेबसाइट के यूआरएल के स्टार्टिंग में HTTPS हमें मिल रहा है तो वो वेबसाइट्स हमारी सिक्योर होती है, वहाँ पे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। और सेकंड, अगर HTTPS नहीं है, अगर उसकी जगह पे हमें एक गोल्डन कलर का पैडलॉक आइकन मिल रहा है तो उस केस में भी उस वेबसाइट पर हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो जब भी हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो हमें ये दोनों चीज़ें